नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। अब तक देश भर में जितनी जगहों पर पुलवामा आतंकी हमले को लेकर प्रदर्शन हुए हैं, उनमें भारत माता की जय, वंदे मातरम और पाकिस्तान मुर्दाबाद की गूंज ही सुनाई पड़ रही है। सवाल गायब है। मोदी सरकार के खिलाफ ना नारेबाजी है, ना खुफिया विभाग के खिलाफ कोई नारेबाजी है, ना सेना के आला अधिकारियों के खिलाफ कोई नारेबाजी है, ना शहीदों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग की नारेबाजी है, ना उनके परिजन के लिए सम्मानजनक नौकरी दिए जाने की नारेबाजी है, ना इस हमले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की नारेबाजी है, ना अंबानी अडानी के पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद किए जाने की नारेबाजी है। बहरहाल अब डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। शहीद हुए जवानों में कोई शहर का रहने वाला नहीं है, सभी गांव के रहने वाले हैं। गांव के लोग ही अधिकतर फौज में जाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों में ज्यादा देशभक्ति की भावना होती है। पर गुस्सा शहर में दिख रहा है, जबकि ये गुस्सा गांव में दिखना चाहिए था। बहरहाल इस खेल को समझना आसान है। शहर में सवर्ण समाज ज्यादातर रहता है, ये ऐसे मौकों पर जींस शर्ट पहने हुए हाथों में झंडे लेकर देशभक्त बन जाते हैं। टीवी मीडिया भी इन्हीं को सच्चा वाला देशभक्त बताती है। शहर वाले ये लोग और टीवी मीडिया दोनों बीजेपी का वोट बनाने का काम करते आ रहे हैं। निर्भया कांड याद कीजिए, अन्ना केजरीवाल आंदोलन याद कीजिए। वहीं इस मुद्दे पर अपनी फेसबुक वॉल पर साध लिखते हैं कि शहीदों की लाश पर चढ़कर सियासत बीजेपी और टीवी मीडिया दोनों कर रही है। दरअसल टीवी मीडिया की ये फर्जी देशभक्ति है। इस देशभक्ति के पीछे का असल मकसद बीजेपी को चुनाव में वोट का ध्रुवीकरण कर सत्ता में वापस पहुंचाना है। दोनों का बहिष्कार कीजिए। किसान जब देश का आत्महत्या करता है, किसान जब आवारा जानवरों से परेशान होकर रात भर जग कर खेतों की निगरानी करता है, नौजवान के पास रोजगार नहीं है, रिसर्च स्कॉलर्स को समय पर पैसे सरकार नहीं दे रही है, राजीव गांधी फेलोशिप सरकार ने बंद किया हुआ है, नोटबंदी में बैंकों की कतार में लगकर 100 से ज्यादा लोग मर गए, नोटबंदी के बाद 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 5 सालों में किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं, ये एक सवाल है। इन सब सवालों पर सरकार और टीवी मीडिया दोनों सो जाते हैं। इस मुल्क की जनता आपके नापाक इरादों को समझती है। मोदी जी, लाशों की राजनीति करना बंद कर दो। वहीं भारत में हर रोज 4 बहुजनों की हत्याएं होती हैं, 3 दलित बहनों पर बलात्कार होते हैं, हर 18 मिनट पर एक या दूसरे प्रकार की एट्रोसिटी होती है, फिर भी बहुजनों ने कभी ये नहीं कहा कि खून का बदला खून। टीवी चैनलों के प्रभाव में आकर उन्मादी ना बने प्लीज। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज, शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।